भूषण ज्वेलर्स। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक जौहर ठाकुर ने गुरुवार को ग्राम पंचायत बथेरी में 50 लाख की लागत से नव निर्मित 9 किलोमीटर बस योग बथेरी खलबूट सड़क का उद्घाटन किया। वहीं नव निर्मित राजकीय उच्च पाठशाला खलबूट का भी विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए जौहर ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार के 5 साल के कार्यकाल में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में चारों ओर सड़कों का जाल बिछाया गया है। हर छोटे बड़े गाँव को सड़क सुविधा से जोड़ने के साथ साथ लोगों को यातायात सुविधा भी मुहैया करवाई गई है। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने द्रंग क्षेत्र की विकट परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार स्कूल के दर्जों को बढ़ाया है। वे नए स्कूल भी खोले गए हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में अब अधिकांश सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को घर द्वार पर उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी। इसके लिए उन्होंने क्षेत्र की समस्त जनता को बधाई दी। जवाहर ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता अभूतपूर्व विकास से गदगद है। लोगों ने फिर भी बीजेपी सरकार को सत्ता सौंपने का पूरा मन बनाया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में फिर एक सशक्त सरकार बनेगी। विधायक जवाहर ठाकुर ने कहा कि द्रंग चुनाव सभा क्षेत्र का विकास उनके राजनीतिक जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वर्तमान सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विकास की दिशा में नई पहचान दिलाने में कोई कमी नहीं आने दी है। क्षेत्र में वर्षों से रुके विकास कार्य को भी उन्होंने पूरा करवाया है। जवाहर ठाकुर ने कहा कि पेंशन स्वास्थ्य योजना से आज प्रदेश का हर परिवार लाभान्वित हुआ है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से सरकार ने प्रदेश के 3.5 लाख परिवारों को परोक्ष रूप से लाभान्वित किया है। हाल ही में बिजली के बिलों में 125 यूनिट की कटौती कर प्रदेश की जयराम सरकार ने सूबे की गरीब जनता को एक बड़ी राहत प्रदान की है। इस मौके पर विकास खंड अधिकारी राकेश पटियाल सहित अन्य विभागों के अधिकारी और पंचायत के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।